आपके चेहरे के पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं, एक्ने जा ही नहीं रहे हैं। बहुत बार आप क्रीम ऊपर से यूज करते हैं, ऊपर से टॉपिकल क्रीम आप यूज करते हैं, लेकिन वो उसी टाइम के लिए ठीक रहता है, दिखता है ठीक ठाक हो गया, फिर दोबारा आ जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? इसलिए ऐसा होता है कि इसके पीछे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे रीजन है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस आपका एज का वो जो टाइम है स्पेसिफिक वो रहता है। तो दोस्तों इसके लिए बेसिक हमें क्या करना है, और ये जो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा वो सिर्फ 1.5 से 2 हजार के अंदर ही है, और ये आप रेगुलर यूज करना, और इसके बाद 1 महीने में आपको पता चलेगा ये बेसिक जड़ से ही खत्म हो गया है, इसके बाद आपको कोई ऐसी खास शिकायत नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना, बीच बीच में मैंने ऐसी कई चीजें बताई है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इसको जड़ से खत्म करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए, दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। दोस्तों पिंपल्स और एक्ने ये तैयार होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, एज वाइज भी डिफरेंस है, स्किन का भी वो अलग टाइप के हिसाब से भी रहते हैं, तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वीडियो में हमें ये देखना है कि उसको कैसे जड़ से खत्म करें। चाहे आप कितने भी एज के हो, चाहे आपको कितना भी हार्मोनल इम्बेलेंस हो या चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सिर्फ मैं आपके साथ 3 से 4 प्रोडक्ट बात करूंगा, और वो भी 1.5 से 2 हजार के अंदर ही रहेंगे, और वो आप वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने के बाद आप हमेशा के लिए ठीक होंगे, आपके पिंपल्स ठीक होंगे और आपको किसी भी प्रकार के दाग धब्बे भी वो आपको नहीं दिखेंगे। दोस्तों यकीन करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये पूरा एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों इसमें से पहला प्रोडक्ट है जो कि शानदार है और आपके बॉडी को इंटरनल बॉडी का पीएच ठंडा रहने के लिए, मैं अभी ठंडा ही बोल रहा हूं, एसिडिक बेसिक ये सब चीजें साइंटिफिक टर्म नहीं बोलूंगा, बॉडी अंदर से ठंडी रहेगी तो अंदर से इंफ्लेमेशन ठंडा रहेगा और ऊपर के आपके स्किन पे जो दाग धब्बे आएंगे वो नहीं आएंगे। इसके लिए तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, वो है सीएमडी। सीएमडी दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, आपके बॉडी का पीएच बहुत अच्छी तरीके से ये न्यूट्रल रखता है, इवन थोड़ा सा बेसिक भी होगा वो चलेगा, लेकिन एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, तो अंदर से हेल्दी इन्वायरमेंट ही रहेगा तो पिंपल्स का जड़ से खात्मा तय है। तो दोस्तों ये हो गया, इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट आपको देना है वो हमेशा के लिए आप ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट अलोवेरा देना है। अलोवेरा में और स्किन का और अलोवेरा का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बहुत बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अलोवेरा में ऐसा है कि उसमें एक कंपाउंड है अलोविन नाम का कंपाउंड है, वो हमेशा एक्टिव कंपाउंड है और वही इफेक्टिव कंपाउंड है, वही आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, वही आपके पिंपल्स को, वही आपके एक्ने को खत्म करने में मदद करता है, वो इंटरनल लेना है हमें अलोवेरा। तो दोस्तों ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में कहा है कि सभी रोगों को हरने वाला उसको बोला जाता है नीम। दोस्तों ये नीम है, बॉडी को अंदर से ठंडा रखेगा, दोस्तों बॉडी को अंदर से एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के चलते इंफ्लेमेशन खत्म कर देगा, दोस्तों इट्स एंटीसेप्टिक भी है और दोस्तों इट्स एंटीबैक्टीरियल भी है। तो दोस्तों ये कितना इफेक्ट दे देता है आप थोड़ा समझ लीजिए। अलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट भी है अलोवेरा में, लेकिन इसके साथ 3-4 इफेक्ट है, तो दोस्तों इसको आप कभी भी इग्नोर मत करना, नीम लेते रहना। नीम के प्रॉपर्टीज है ये आपको पिंपल्स और एक्ने जड़ से खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो दोस्तों यह हो गया, और विटामिन सी के लिए सिर्फ 180 या 200 रुपए तक आपको आंवला मिलेगा वो रखना। दोस्तों ये क्या करना है, सुबह शाम दो कैप्सूल सुबह शाम आप खा लेना, आफ्टर फूड खा लेना, आपको फायदा देंगे, और इंटरनल सीएमडी आप पी लेना। जैसे कि आपका अगर वेट है 60 kg या 80 kg, 60 kg है तो आपको 3 लीटर, 80 kg है तो आपको 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, और आप इसमें से 7 to 9 ड्रॉप डाल दीजिए, आपको इफेक्टिव होगा। दोस्तों इसमें यही ध्यान रखना, बहुत लोग जो है ना पिंपल्स आते रहते हैं और लोग क्या करते हैं कि ऊपर से कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, ये भी ट्रीटमेंट करो वो कुछ नहीं करना, ऊपर से जितना उसको आप क्लीन रखेंगे, जितना उसको आप साफ रखेंगे और केमिकल फ्री रखेंगे उतना वो इन्फेक्शन कम होगा। लेकिन आप इसको खत्म करने के लिए, वो जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स वाले आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो भड़केगा ज्यादा, वो उसी टाइम के लिए ठीक होगा लेकिन वो पूरा भड़क जाएगा, तो ये समझ लेना आप। तो दोस्तों ये हो गया, तो ये इंटरनल ठीक करेगा, लेकिन दोस्तों वेस्टीज का भी आप कोई भी टॉपिकल हो जैसे कि फेस वॉश हो वगैरह वो भी आप संभाल के यूज करना, लेकिन आपकी इच्छा है तो, लेकिन मैं नहीं ऐसे केस में बोलूंगा। ज्यादा पिंपल्स है तो शुरुआत के दिनों में इंटरनल बॉडी हेल्दी हो, इंटरनल हेल्दी एनवायरमेंट पैदा होने के बाद वो ठंडा जैसे भी होगा वो कम होगा, तो फिर आप फेस वॉश वगैरह वो चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहला तुरंत मत कीजिए, क्योंकि कभी भी देखना यहां पिंपल्स है, यहां कोई इन्फेक्शन है, और दोस्तों ये इन्फेक्शन यहां आपने अगर कोई भी फेस वॉश लगा लिया तो वो क्या करेगा, वो स्प्रेड इधर होगा तो उसका इन्फेक्शन इधर जाएगा, वो बैक्टीरियल यहां जाएगा बैक्टीरिया, तो दोस्तों वहां नया रीजनरेट होगा। तो दोस्तों ये नहीं करना है,
सिंपल हमें नीम सोप लेना है अपना, 40-50 रुपए में नीम सोप आता है अपना वेस्टीज का, वो उससे अच्छे से दिन में 3 बार अच्छे से क्लीन साफ चेहरा धोना नॉर्मल वाटर से, और दोस्तों उसको फैन के सामने ऐसा सुखा लेना, ठीक है। सिंपल ये करना और उसके बाद ये प्रोडक्ट चालू रखना, आप रिजल्ट देखना, 15-20 दिन में वो सूखना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको फेस वॉश वगैरह आप लगा सकते हैं, वो भी वेस्टीज का लगाइए, उसमें वो केमिकल फ्री है, वो आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आपके पिंपल्स हमेशा के लिए दूर होंगे। और इसके साथ चेहरा कैसे ग्लो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसी शानदार वीडियो के लिए आप बने रहना। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।